प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत और अरब देशों को करीब आता देख पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और दबंग महिला वकील नाजी लाई खान जी, जो कि पाकिस्तान को देंगी मुंह तोड़ जवाब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया जी, एक तरफ पाकिस्तान में भी इलेक्शन चल रहे हैं, इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान में हर बंदा कुर्सी के चक्कर में जंग लड़ रहा है, दूसरी जानब पाक आर्मी जो बहुत टाइम से चुप बैठी हुई है, लेकिन हिंदुस्तानी आर्मी ने सऊदीया को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये न्यूज आएगी सामने देखी होंगी, ये क्या स्ट्रेटेजीज आप लोग अपनाना चाह रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं ये दिमाग, मैं जानना चाहूंगी। बीजेपी करा रहा है कौन, आपकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है या कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि कभी भी भारत पर 1947 से आप इतिहास के पन्नों को उठाइए, भारत पर कभी भी रूल आर्मी का नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के पॉलिटिकल की पॉलिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगी कि अब तक भारत को सबसे आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे जिन्होंने भारत को पीछे खींचने की पूरी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। पर अब भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत माता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब सऊदी यूएई 72 एकड़ की मंदिर इनॉग्रेशन कर रहा है 14 फरवरी को। अब आप कहिएगा क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या क्या मंत्र है, क्या मंत्रा है बताइए। अब सऊदी अरबिया में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सऊदी अरबिया में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भगवत गीता रख दी गई है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। पूरे 180 देशों से ऊपर भव्य राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, तो 180 देश से ऊपर ने भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। 180 देश से ऊपर लोगों ने भगवान राम की भक्ति में लीन होकर के दिया जलाया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा में भगवान राम के चित्र दिखाए गए 22 जनवरी को, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सऊदी अरबिया को ऐसा लगता है कि उनके जो उनकी जो सेना है, उनके जो आर्मीज हैं, वो हमारे यहाँ ज्यादा बेटर ट्रेंड हो सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ईरान को ऐसा लगता है हमारा हिस्सा है ना हम कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना है, आपको क्या मतलब है। हम छलांग मार के उधर तो नहीं सिखा रहे ना, हम अपने एरिया में अपने हिस्सा में सिखा रहे हैं ना, हम कहीं पर भी सिखाए, हमको क्या, आपको क्या मतलब है। मुस्लिम कंट्रीज इंडिया क्यों करती है, कभी पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप खुद से जवाब मांगिएगा तो आपको खुद मिल जाएगा, आपको खुद जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हैं तो चलिए बोल ही देती हूँ। आपकी जज्बा वाली कौम है, हमारी शिक्षित कौम है, आपके दीन ईमान वाली कौम है, हमारी एडुकेटेड और संस्था और संस्कारी कौम है, आपके यहाँ दीन ईमान और जज्बा इस्लाम में गला रेतना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ गला रेतने वाले को जेल की सलाखें दिखाई जाती हैं, आपके यहाँ मस्जिदों में बम लगा करके मस्जिदें फोड़ी और तोड़ी जाती हैं, हमारे भारत में 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं और बड़ी आलिशान खूबसूरत बनी हुई है, आपके यहाँ इस्लाम इस्लाम का नारा तो जरूर बुलंद किया जाता है पर मस्जिद में लोग दिखाई नहीं देते हैं जितना हमारे यहाँ मस्जिदों में जुमा की नमाज में लोग दिखाई दे देते हैं, उतना आपके यहाँ ईद और बकरीद में दिखाई नहीं देते हैं। आपके यहाँ हर रोज बताया जाता है दीन इस्लाम, जज्बाए इस्लाम, जज्बाए ईमान, और शिक्षा में नीलवटा सन्नाटा, बंदर की तरह गुलाटी मारने से आपके यहाँ के मर्द और औरतें पीछे ही नहीं हट रही हैं। औरतों से आप लोग रिव्यू लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, तो वो लोग कहती नहीं, हमारा इस्लाम बोला है कि मेरा शौहर 4 बीवी रख सकता है, तो हम सो जाएंगे धक्का धुक्की करके भी, लेकिन हम लोग 4 बीवी मिलकर सोएंगे। ए उधर हट ना, थोड़ा उधर हट, मेरा पति को मुझे छूने देना, मेरा शौहर को मुझे छूने, थोड़ा उधर हट ना भाई, लेकिन वो लोग 4 बीवियां
पसंद कर रही है क्योंकि इस्लाम ने कहा है, पर हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ वुमेन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वुमेन सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत 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 वैल्यू दिया जाता है। और अभी 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस में महिलाओं की जो एम्पावरमेंट, महिलाओं की जो शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है, भारत ने महिलाओं की शक्ति का डंका पीट दिया है पूरी दुनिया के सामने और फ्रांस के प्रेसिडेंट के सामने, और पूरी दुनिया इस डंके की आवाज को सुन करके समझ रही है कि भारत की महिला से उलझना तो बहुत दूर की बात है, टेढ़े मुंह बात भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे भारत की महिलाओं को एक तरफ अगर देवियां देवियों की तरफ पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ आर्मी बुलेटिन आर्मी का जो चीफ होता है या आर्मी के जो बैलेट संभालते हैं, जो फाइटर जेट चलाती हैं, वो भी महिलाएं होती हैं। बटालियन चला रही हैं चीफ हो करके, आर्मी की बटालियन चला रही हैं। महाराष्ट्र में एक 21 साल की शिया बच्ची, आपके यहाँ तो शिया को मारपीट दिया जाता है, खत्म वतम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत बहुत प्राउड की बात है कि महाराष्ट्र में जोगेश्वरी की 21 साल की एक शिया लड़की जो है वो कमर्शियल पायलट हुई है, कमर्शियल पायलट, 21 साल की बच्ची। 25-25 साल की बच्चियां जो हैं वो पायलट बन रही हैं। मेरी खुद एक फ्रेंड है, वो खुद एयर होस्टेस है और उसकी बेटी पायलट हुई है। बेटी भी मेरी फ्रेंड है, माँ भी मेरी फ्रेंड है, दोनों मेरी दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, उसका नाम मोनिका है। दोनों माँ बेटी इतनी खूबसूरत है, और बेटी जो है वो पायलट हुई है और माँ जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस है। और उसके बाद से ही मेरा बेटा भी उछलने लगा, मम्मा मैं पायलट बनूंगा, मम्मा मैं पायलट बनूंगा, हालांकि अभी वो क्लास 10 में है। तो हाँ बिल्कुल, तुम भी फाइटर जेट चलाओ, तुम भी अपने आप को समर्पित कर दो देश के लिए। तो वो कमर्शियल पायलट बनना चाहता है और मैं उसको भेजने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं नहीं अल्लाह, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा अल्लाह, अरे नहीं। तो आप इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल रही है ना, एक किताब से आप बाहर नहीं निकलिएगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकती हैं। अब महविश, क्या आपको क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ता है? क्या आपको भी तो क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत सारा, बहुत सारा। तो फिर लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं लेकिन मुसलमानों की तरफ से करते हैं। 82.7% सनातनियों की तरफ से हम क्रिटिसिज्म फेस नहीं करते, वो तो हमें, मुझे झांसी की रानी बोलते हैं, मुझे भारत की बेटी बोलते हैं, टाइग्रेस बोलते हैं, लेकिन मुसलमान मुझे क्या? अभी कमेंट्स में भी एक बंदा बार बार रिपीट एक ही मैसेज किए जा रहे हैं, भारत की शेरनी आ गई, भारत की शेरनी आ गई। सोचा तो मैं बताती हूँ, सनातनी भाई, और अभी अभी इसमें कोई मुसलमान आएगा वो बोलेगा ए सली प्रोस्टिट्यूट कहीं की, ऐ सली हलाला की पैदाइश कहीं की, ऐ सली हरामी कहीं की, ऐ सली काफिर कहीं की, वो यही बोलेगा। मैं मुसलमानों से गालियां सुनते सुनते मतलब मैं थक चुकी हूँ। और लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखो कि सनातनी 82.7% लोग मुझे माथे और पलकों पे बिठाते बिठाते भी नहीं थके हैं, बिल्कुल नहीं थके हैं। Nice. क्योंकि ऐसा धर्म है, देखो मैं तो बचपन से महविश सनातनियों की भीड़ में ही रही हूँ। इवन मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, उस अपार्टमेंट में एक भी घर मुसलमानों का नहीं है, और मैंने इंटेंशनली आइडेंटिफिकली मैंने वैसा अपार्टमेंट चूज किया है रहने के लिए। मैं पिछले 12 साल से उस अपार्टमेंट में रह रही हूँ, हालांकि मेरा घर वेस्ट बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है और बॉम्बे में भी है। तो मैंने ऐसे ऐसे अपार्टमेंट चूज किए जहां पर मुसलमान आसपास ना हो, गलती से भी आसपास ना हो, क्योंकि वो मुझे क्रिटिसाइज ही करेंगे, वो मुझे गालियां ही देंगे। लेकिन जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकलती हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते, कल आपका शो देखा बहुत अच्छा बोला आपने, अरे कल आपका शो देखा, अरे बाप रे बाप, आपको कानून का बहुत नॉलेज है दीदी, कल आपका शो देखा, नाजिया बेटा कल आपका शो देखा, अरे बाप रे बाप क्या जवाब आपने दिया है। तो ये सुनने से ना अपनी, देखो हिंदू धर्म में सब मिलता है, रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है? हिंदू धर्मों में नोटिफाइड नोटिस और नोटेड क्या किया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बहुत रिनाउंड है या बहुत फेमस है, तो ये किस बिना पर फेमस है? उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसका एडुकेशन, उसके संस्कार, उसकी सभ्यता, उसके बोलचाल से उसको जज किया जाता है, उसको देखा जाता है और तब टिप्पणियां दी जाती है। नहीं,
ये बहुत डिवोटी है अपने भारत के लिए, ये बहुत डिवोटी है संविधान के लिए। और मुसलमान में क्या किया जाता है, छिया छी हिजाब नहीं पहनी, हाँ है तो है एलएलबी का डिग्री, वो तो हो बड़ी फेमस, पर हिजाब नहीं पहनी, छाती नहीं छुपाई, सीना ढको चेहरा ढको। अरे भैया, अरे बंदर छापो, मेरा सीना देख ही क्यों रहे हो, तुम अपनी आंखों में शर्म ले आओ ना, तुम मेरा सीना देखो ही मत ना, तुम बेहूदगी अश्लीलता बेशर्मी तुम खत्म कर दो, फिर तुमको नाजिया इलाही खान के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी दिखाई देगी। तो दिस इज द बेसिक रीजन महविश के पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। और जिस तरह से आप लोग इतना क्रिटिसिज्म में भरे पड़े हैं, पाकिस्तान नेवर बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म, पाकिस्तान ओनली बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म। आपके हाथ में भीख का कटोरा आ गया है, लेकिन आप देखो इमरान खान को 10 साल के लिए जेल, 14 साल के लिए जेल, महविश ने पैंट पहन लिया, महविश काफिर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ दिया। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इस बात से तकलीफ है कि सऊदी अरेबिया जो कि इस्लाम का गढ़ माना जाता है, वहां पे एक बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, और दूसरी ओर भारत की सेना सऊदी अरेबिया को ट्रेनिंग भी दे रही है। और मैं महविश की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि महविश ने यह कहा कि मुस्लिम देश भारत की तरफ झुकाव क्यों रखते हैं और पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछते। वेल महविश, ये तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो खुद हर एक फसाद की जड़ है, इसलिए पाकिस्तान की किसी भी पड़ोसी के साथ नहीं बनती। भारत तो छोड़ो, अफगानिस्तान और ईरान जो मुस्लिम देश हैं वो भी पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं करते। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।